हेलो कैंटियंस, माय नेम इज ऋषि रोड़ा एंड यू आर वाचिंग बी कैंट। मैंने एक वीडियो बनाई थी पिंपल्स के ऊपर। उस वीडियो के नीचे मुझे जिस तरह से कमेंट आते हैं और जिस तरह से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, उस हिसाब से बहुत से भाइयों को एक्नी यानी कि मुहासे और पिंपल्स यानी कि फुंसी में फर्क ही नहीं पता। जितनी भी मुझे इंस्टाग्राम पे फोटोज आती हैं, उसमें 95% भाइयों को एक्नी होती है, पिंपल्स नहीं। आपको भी शायद एक्नी है, पिंपल्स नहीं। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक्नी क्यों होती है और किस तरह की होती है। देन मैं आपको बताऊंगा एक ट्रीटमेंट। मैं ये जरूर कहता हूँ कि वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद एक्नी के ऊपर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सही तरह से ट्रीटमेंट करना। तो आप चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। मैं वीडियो शुरू करता हूँ। पहले तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 से 15 साल की उम्र से लेकर 27 से 28 साल की उम्र तक हर 5 में से 4 लोगों को एक्नी होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में से एंड्रोजन नाम का हार्मोन बनना शुरू होता है। जब ये हार्मोन बनना शुरू होता है तो जो हमारे स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनका साइज बढ़ता है। जब उनका साइज बढ़ता है तो हमारी बॉडी में से एक नेचुरल सीबम ऑयल निकलता है, वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे फेस पे बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इससे हमारी एक्नी होती है। अब एक्नी से पिंपल कैसे बनता है और कौन सी स्टेज पे बनता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस तरह की एक्नी है या पिंपल है। सबसे पहला टाइप एक्नी है व्हाइट हेड, जो कि स्किन के नीचे होता है और क्लियरली दिखाई नहीं देता। देन हमारा आता है ब्लैक हेड, जो कि क्लियर दिखता है स्किन के ऊपर और ब्लैक कलर में होता है। देन हमारा आता है पॉप्यूल्स, ये छोटे छोटे पिंक कलर पे स्किन पे होते हैं, जो मेरे हैं। और अभी काफी हद तक मैंने इस ट्रीटमेंट से जो मैं आपको बताऊंगा उससे मैंने ठीक कर लिए हैं। देन हमारे आते हैं पॉस्ट्यूल्स, जो बेस पे रेड होते हैं और हल्की हल्की पाक भरी होती है। अब इस स्टेज में एक्नी पिंपल बनना शुरू हो जाता है, अगर आप अच्छी तरह केयर नहीं करोगे इस स्टेज पे। देन हमारा आता है नोब्यूल्स। अब इस स्टेज में एक्नी बिल्कुल पूरी तरह पिंपल बन जाता है और पेनफुल होता है, लेकिन इसमें पस नहीं होती। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिस्ट, सेम बहुत पेनफुल होता है और इसमें पस भी भरी होती है। अब आप अपने फेस को ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपको ज्यादातर एक्नी है, पिंपल्स नहीं। अब बात करते हैं साइंटिफिक ट्रीटमेंट की, जो मैं करता हूं, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिससे मुझे काफी फर्क पड़ा है। ये देखें डिफरेंस, अभी सिर्फ 10% ही रह गया जो पहले काफी था। हम सबसे पहले जड़ को पकड़ेंगे, जिससे हमारी एक्नी या पिंपल बनना शुरू होता है। सी भाई, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये सारा चक्कर ऑयल का है। तो स्टेप वन में जो मैं करता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, मैं वाओ ब्रांड का फॉर्मिंग फेशियल क्लींजर यूज करता हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारा एक्सेस ऑयल होता है वो रिमूव होता है। अब एक्सेस ऑयल रिमूव होगा तो हमारे बैक्टीरिया कम होंगे तो हमारी एक्नी कम होगी। अब ये लगाने के बाद साथ ही साथ वॉश नहीं करना, 2 मिनट रखना है लगाने के बाद। उसके बाद ठंडे पानी से धोएं और बहुत जेंटली फेस को साफ करें और सूखने दें। फेस सूखने के बाद जो मैं करता हूँ स्टेप टू में, जिसमें मैं लगाता हूँ इसी ब्रांड की एक्सफ्लोटिंग जेल। अब ये वही लगानी है जहाँ एक्नी है, और लगाने के बाद 7-8 मिनट रखना है, एंड देन ठंडे पानी के साथ वॉश करें, एंड देन अगेन जेंटली तौलिए के साथ साफ करें और सूखने दें। अब स्टेप थ्री में मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ इसी ब्रांड का हाइड्रेटिंग सीरम। आप इसको अपने फिंगर टिप्स पे लें और बहुत जेंटली लगाएं। इस साइंटिफिक ट्रीटमेंट का स्टेप वन क्या करता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप टू और स्टेप थ्री का क्या काम है। स्टेप टू और स्टेप थ्री क्या करता है कि हमारे स्किन में नए सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑलरेडी जो सेल्स खराब हो चुके हैं वो रिमूव होते हैं, जिससे हमारी एक्ने और पिंपल ठीक होते हैं। अब जो हमने स्टेप थ्री में सीरम लगाया था, वो सीरम लगाने के बाद फेस वॉश नहीं करना। और अगर आप ये पूरा ट्रीटमेंट रात को सोने से पहले करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि भाई
टाइम कितना लगेगा सही होने में, सी भाई मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता क्योंकि आपकी सबकी हर किसी की स्टेज एक्ने की अलग अलग होगी। अगर आप मुझसे पूछे मुझे कितना टाइम लगा था भाई, सी द डिफरेंस, ये सारा डिफरेंस मेरा सिर्फ एक हफ्ते में पड़ा है। इस प्रोडक्ट को बाय करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई मस्ट से इट्स वर्थ बाइंग, मैंने खुद यूज किया है। तो ये थी वीडियो एक्ने के ऊपर कि एक्ने क्या है और मैंने अपनी एक्ने को कैसे ठीक किया है। आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई दोस्त है जिसको एक्ने या पिंपल्स हैं, देन भाई ये वीडियो उसके साथ शेयर करो क्योंकि आपके इस भाई को आप भाइयों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इन फ्यूचर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं इंडियन मैन फैशन एंड लाइफस्टाइल के रिलेटेड, देन सब्सक्राइब नाउ। Myself Rishi Roda signing off, and as I always say, always remember, you are awesome. ये बात अपने मन में बिठा लो, I am awesome. फिर देखना जिंदगी जीने का नजारा।